कोई भाई माता विधुना वाले भाई के यहाँ से टूट करके एडवांस में आ जाते हैं, तो क्या उनको बेसिक में चला हुआ माना जाए या नहीं? अरे विधुना वाला भाई तो जो राम बन करके बैठा हुआ है वो तो कंपिल में 9 दिन की भट्टी करने के तुरंत बाद जाकर के घर में घोषणा कर दी कि मैं 9 दिन के लिए तपस्या करके गुफा में आया हूँ। 9 दिन की गुफा में की हुई तपस्या से मुझे ये पता चला कि मैं राम वाली आत्मा हूँ। और मेरी युगल सीता है और वही एडवांस ज्ञान की बातें सुनाई। अब हिसाब ये है कि कोई भी आत्मा अगर एडवांस ज्ञान लेती है, भट्टी करती है और भट्टी करने के बाद संगठन में रेगुलर नहीं बनती, बाबा की वाणी को रेगुलर सुनती नहीं है, तो थोड़े ही दिनों के अंदर वो ज्ञान उसका गायब हो जाता है, वही बेसिक नॉलेज की बातें रह जाती हैं। तो ऐसे करते करते शुरुआत में तो उसने बहुत बेसिक और एडवांस मिक्स करके सुनाया, बाद में सारा का सारा ज्ञान बेसिक का रह गया बुद्धि में और एडवांस सारा बुद्धि से उड़ गया। उसके भट्टी करने के बाद, कंपिल से भट्टी करने के बाद जो पहली पहली आत्मा उनके यहाँ से आई, वो राम झलक बाई थे। जिन्होंने उसके सामने ही वहां बहुत विरोध किया, और यहाँ आकर के सारा एडवांस ज्ञान सुना, और सेवा करते रहे। फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, ये आसपास की बूढ़ी बूढ़ी माताएं उस संगठन में ज्यादा जुड़ गईं। वो माताएं भी अभी टूट टूट करके सभी एडवांस में आ रही है। तो उनको बेसिक में ही मान लिया जाए तो भी चलेगा, क्योंकि अभी जो जो कुछ भी वो सुनाते हैं वो बेसिक की ही सारी बातें सुनाते हैं। नया कुछ भी नहीं है। और आत्मा बाबा बेसिक में आ रही है ना, एडवांस में आ रही है, पूछते तो उनके पढ़ते पढ़ते में क्या लिखा जाए, ये पूछा था जब भट्टी करने आते हैं तो बेसिक का ध्यान लिखा जाए उनका। हाँ हाँ जी, ना बेसिक भी लिखे और साथ साथ सच्ची बातें लिखे हैं, सच्ची बात लिख रहे हैं कि विधुना वाले संगठन से टूट के आए हैं।
ऐसे संगठन तो ऑल इंडिया में ढेर के ढेर चल पड़े हैं। ढेर के ढेर जो संगठन तैयार होते हैं दुनिया में, जिन्हें अलग अलग धर्म कहा जाता है, वो कौन से युग से शुरू होते हैं? दुनिया में अनेकानेक धर्मों के संगठन की शुरुआत कौन से युग से होती है? उसका नाम यह है द्वापर, द्वैतवादीपुर। तो एडवांस में भी दो, दो से चार, चार से आठ, ये ढेर के ढेर संगठन तैयार हो गए। द्वापर युग की अंत में जो शूटिंग हुई 98 में, उसके बाद ये ढेर के ढेर संगठन निकले। कोई राम की पार्टी, कोई कृष्ण की पार्टी, कोई विष्णु की पार्टी, अलग अलग स्थानों में उनके गढ़ बन गए। अहमदाबाद में विष्णु पार्टी का गढ़ बन गया। और ये सभी संगठन निकले कहां से? जैसे द्वापर युग से अनेक अनेक धर्मों की स्थापना होती है, वो सब आत्माएं कहां से निकलती हैं? कौन से धर्म से है? एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये भारत में जितने जितने अनेक अनेक संगठन फैले हुए हैं, चाहे अहमदाबाद, चाहे विधुना, चाहे बंबई, चाहे बंगलोर, चाहे हैदराबाद, ये सारे के सारे संगठन बनाने वाले और संगठन में जाने वाले, उन सब की हिस्ट्री एडवांस पार्टी में निश्चय पत्रों के रूप में रखी हुई है। शूटिंग हो रही है कन्वर्ट होने वालों की। प्रश्न ये बाबा है, प्रश्न ये है कि भर्ती पत्र में या अर्ज में बार बार ये लिखा जाता है कि बेसिक में कितने वर्ष चले हैं, तो क्या ये बिजनेस पार्टी वाले भाई के यहाँ से जो आत्मा आई है उसको बेसिक पार्टी मान लो चार साल चल के आई है बिजनेस वाले भाई के यहाँ से, तो क्या वो चार वर्ष का समय लिखा जाएगा, बेसिक माना जाए उसको? बेसिक की मुरली ही तो पढ़ते हैं वहाँ, बेसिक की मुरली ही तो पढ़ के सुनाई जाती है, माउंट आबू की वाणी ही तो सुनाई जाती है। माउंट आबू की वाणी के कोई और नए अर्थ तो नहीं सुनाए जाते। जो बेसिक में चलने वाले ब्राह्मण माउंट आबू से उस मुरली का अर्थ करके सुनाते हैं, वो ही अर्थ वहां सुनाए जाते हैं। जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, हाँ, जो माउंट आबू में बेसिक में चल रहे हैं, चला रहे हैं, वो अपने को राम
ये विष्णु घोषित नहीं करते, लेकिन ये मानते हैं कि विष्णु कोई अलग से नहीं होता है, शंकर कोई अलग से नहीं होता है, हम सब आत्माएं शंकर और विष्णु के पार्टधारी हैं। और ये जो एडवांस से संगठन निकले हैं वो ये बात और ऐड कर देते हैं कि हमारा ये स्पेशल पार्ट है, या तो हम विष्णु हैं, या तो हम कृष्ण हैं। या तो हम लक्ष्मी नारायण हैं। जैसे बंगलोर में जो युगल बैठा हुआ है, मथुरा में एक पीले वस्त्र पहन करके बैठते हैं, वो युगल बन करके बैठते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, अपने को लक्ष्मी नारायण कहते हैं। अपने पार्ट को थोड़ा डिक्लेयर करने का अंतर है, बाकी उस पार्ट के बारे में प्रूफ भी कोई नहीं है, कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। मुख्य बात है बाप की पहचान। उस बारे में मौन हो जाते हैं, क्योंकि बाप की पहचान तो कोई सॉलिड पॉइंट उनके पास नहीं है। तो जैसे भक्ति मार्ग में भागना हुआ बुद्धि का, कोई ठिकाना नहीं मिला, ऐसे ये अलग अलग पार्टियों में जाने वाले या ले जाने वाले बुद्धि को भटकाए रहे हैं, बुद्धियां भटक रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को भाग रही हैं। एक व्यक्तिगत पार्ट से बुद्धि हट करके दूसरे व्यक्तिगत पार्ट में बुद्धि भाग रही है। जिस बात का इशारा मुरलियों में पहले भी दिया था कि आगे चल के ढेर भगवान निकल पड़ेंगे, तो जैसे कि भगवान सर्वव्यापी हो गया, ये शूटिंग भी कहां से होती है? यहां से ही शूटिंग होती है। हाँ, जोर से बोलो। हाँ, उबासी माने मुंह फैलाते हैं जोर से, इनकी माने झुटके आते हैं नींद के। बाबा मुरली में आया कि तुम बच्चे हथेली पर लेकर के आए हो। क्या मतलब? कीरी कहते हैं हथेली को। हथेली जो है वो बुद्ध रूपी हाथ की सूचक है। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे बुद्धि से भी बातें पॉइंट कैच किया जाता है। तो बुद्ध रूपी हथेली में तुम स्वर्ग लेकर के आए हो। जैसे कि कृष्ण का चित्र बनाया जाता था पहले, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों के दरवाजे पर रखा रहता था, श्री कृष्ण आ रहे हैं,
हथेली में स्वर्ग दिखाते थे गोले में, और पांव में एक गोला नरक का दिखाया जाता था। पांव से लात से नरक को ठेल रहे हैं, और बुद्ध रूपी हथेली में स्वर्ग ला रहे हैं। तो ये घोषणा, वो जो चित्र था, जो ये घोषणा कर रहा था कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो चित्र अभी ब्रह्मा कुमारियों ने उड़ा दिए। जैसे चार चित्र उड़ा दिए, वैसे वो चित्र भी उड़ा दिया। तो चित्र झूठा था या सच्चा था? है सच्चा कैसे था? कहाँ स्वर्ग ला रहे हैं? कहाँ आया स्वर्ग? हाँ, 76 में बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया की प्लानिंग लेकर के संगमयुगी कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। और जो नरक की ब्राह्मणों की दुनिया है, वैश्यालय बनाने वाली दुनिया है, रावण राज्य बनाने वाली दुनिया है, उसका क्या होता है अस्त्र? आप मुए मर गई दुनिया। उस दुनिया से हमारा अब कोई लेना देना नहीं, लात मारो। जैसे मुरली में बोलते हैं, इन गुरुओं को मारो, मारो गोली। अब गोली मारो, लात मारो, बात एक ही हो गई। सागर है ज्ञान सागर, वो प्रैक्टिकल में है या हवा की चीज है? ज्ञान सागर का पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल में है या कोई हवा की चीज है? माने कोई पर्सनालिटी है, कोई व्यक्ति है या सिर्फ कहने की बात है? पर्सनालिटी है। जो शास्त्रों में दिखाते हैं कि सागर रत्नों की थालियां भर करके ले आया, रामायण में दिखाते हैं ना, जब अग्नि बाण मारा तो सागर प्रत्यक्ष हो गया हाथ में थाली लेकर के। तो ये ज्ञान सागर बाप है, जिस ज्ञान सागर बाप को शास्त्रों में दिखाया है कि चिड़ियों ने हप कर लिया, चिड़िया सागर के किनारे बैठी हुई दिखाई गई है। उन चिड़ियों का नाम रखा गया है करौंच। क्या नाम रखा? करौंच। करौं ऊंच। क्या करूं?
जो कुछ भी करूं पूछ करूं, लेकिन करते हुए क्या दिखाया गया है? प्रैक्टिकल में उन चिड़ियों को करते हुए दिखाया गया है कि वो जो अंडी बच्चे पैदा करती थी, माने जो ज्ञान में बच्चे पैदा होते थे, उन अंडी बच्चों को सागर बहा ले जाता था बार बार। तो चिड़ियों को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने सागर में से बूंद भर भर करके बाहर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। ये क्रम लंबे टाइम तक चलता रहा। अब सागर वो तो कोई व्यक्ति है जिसमें ज्ञान सूर्य शिव प्रवेश करता है, ज्ञान सूर्य शिव सागर नहीं है। वो सूर्य है या सागर है? वो तो सूर्य है जिसमें प्रवेश करता है, वो सागर है। और अथाह सागर है, लिंग के रूप में उसकी पूजा होती है। जिस लिंग के लिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि ब्रह्मा और विष्णु उस लिंग का आरो पार पाने के लिए ऊपर गए और नीचे गए और कहीं भी उसका और छोर मिला ही नहीं, इतना गहरा सागर है। शास्त्रों का ज्ञान तो फिर भी बंधा हुआ है पुस्तकों में, लेकिन ज्ञान सागर का ज्ञान पुस्तकों में नहीं बांधा जा सकता। उसके लिए क्या गायन है? सारे जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ और सागर के पानी की स्याही बनाओ तो भी वो ज्ञान फूटेगा नहीं, ऐसा वो ज्ञान का सागर है। उन बड़े बड़े गुरुओं को, धर्म पिताओं को तो रेफरेंस देने पड़ते हैं शास्त्रों की बातों के, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ही सुनाते हैं, कुछ नया नहीं सुनाते। कोई प्रश्न का जवाब भी देंगे तो शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है वही जवाब देंगे, लेकिन जो ज्ञान सागर का पार्ट है वो हर बात का जवाब देता है। वो ज्ञान कोई पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है, अथाह ज्ञान है। तो व्यक्ति हुआ या कोई देवता हुआ या स्वयं भगवान हुआ, कौन है वो? है व्यक्ति है। और व्यक्ति जितने भी होते हैं इस दुनिया में उनको भगवान नहीं कहा जाता है। व्यक्ति भगवान होता है क्या कि अव्यक्त भगवान होता है? है अव्यक्त भगवान है, गॉड फादर है, जिसे शिव कहा जाता है। वो शिव व्यक्त शंकर में प्रवेश करता है,
वो तीसरा नेत्रधारी दिखाया जाता है, वो ज्ञान का सागर है। और वो ज्ञान का सागर अकेला नहीं है, और भी सात सागर उससे जुड़े हुए हैं। दुनिया में कितने सागर माने जाते हैं? सात सागर है। तो सातों सागर आपस में मिले हुए हैं या बिल्कुल अलग अलग हैं? आपस में मिले हुए हैं। एक ही सागर है वास्तव में, और उसे एक ज्ञान सागर से अनेक प्रकार के सागर बनते हैं। बाद में बनते हैं या पहले से ही होते हैं? है? वो सागर जो पृथ्वी के अलग अलग खंडों से बंधे हुए होते हैं, वो पहले से ही थे या बाद में बने? बाद में बनते। पहले सारी दुनिया में एक ही सागर था और एक ही जम्बूद्वीप भारत खंड था, बाद में जितने जितने धर्म खंड बनते गए, समुद्र से बाहर आते गए, उतने सागर बन गए। तो वो सागर सब है नंबरवार, और ज्ञान सागर है एक। जैसे और नंबरवार सागर है, वो एक सागर में विलीन हो जाते हैं, ऐसे ही जो ज्ञान सागर है वो भी शिव समान बनता है या नहीं बनता है? अपने अस्तित्व को गॉड फादर शिव में मिलाता है या नहीं मिलाता है? है? मिला देता है। कब मिलाता है? वो मिलाने का टाइम कब होता है? है? अंत में, जब सारी दुनिया का विनाश होता है। सारी दुनिया पर बड़े बड़े एटमिक धमाके होते हैं, सारे सागर का पानी आग बबूला बनकर के भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ऐसी आग दुनिया में लगेगी या नहीं लगेगी? है? लगेगी। ये अच्छी आग है या विनाशकारी आग है? है? अच्छी है? है? सारी दुनिया के लिए अच्छी है या मुट्ठी भर बच्चों के लिए अच्छी है? मुट्ठी भर बच्चों के लिए अच्छी है, बाकी सारी दुनिया के लिए विनाशकारी है। तो वो सागर सूख जाता है और सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाती है। सागर का पानी तपत भी धारण करता है और फिर बर्फ होकर के एकदम
शांत भी हो जाता है। जब तपत धारण करता है, सारी दुनिया में विनाश बरपा होता है, तो विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? है, अपवित्रता से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? अपवित्रता से विनाश होता है। तो सागर के किनारे रहने वाली क्रौंच चिड़ियाएं हैं जो क्रोध में आ जाती हैं, महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं, सागर को बूंद बूंद करके सुखाती हैं। वो दो ही चिड़ियाएं दिखाई गई हैं शास्त्रों में या अनेक हैं? अनेक चिड़ियाएं हैं। उनके ऊपर ये तमंगा आ जाता है कि उनके प्रयत्न करने से सागर सूख गया। वास्तव में उन्होंने तो सिर्फ लक्ष्य लिया बुद्धि में कि हम सागर को सुखाई देंगे, लेकिन वास्तव में क्या चिड़ियों में इतनी ताकत है जो एक एक बूंद करके सागर को सुखाएं? है ताकत? नहीं। तो वो ही ज्ञान सागर अगस्त्य ऋषि के रूप में शास्त्रों में दिखाया गया है। उनको दया आ गई। किसके ऊपर? उन चिड़ियों के ऊपर। और उन्होंने सारा सागर पी लिया। तो सारे ज्ञान के सागर को पीने वाला वो एक ही तो है। पर जब सारा सागर पी लिया तो जीव जंतु जो सागर में ढेर के ढेर भरे पड़े हैं, वो तिल मिलाएंगे या नहीं तिल मिलाएंगे? तिल मिलाते हैं। हाहाकार हो जाता है। फिर उनको दया आ जाती है तो वो उस सागर के जल को मूत्र के रूप में बहाय देते हैं। इसलिए कथा बन गई कि सारे सागर का पानी खारा हो गया। अब ये तो सब जानते हैं कि कोई पानी पीता है तो पानी तो मीठा ही होता है। फिर जब मूत्र बन के बाहर निकलता है तो खारा निकलता है या मीठा निकलता है? खारा ही निकलता है। तो मनुष्य जितने भी हैं, चाहे वे मनुष्यों का बाप प्रजापिता ही क्यों न हो, ज्ञान सागर का लकब धारण करने वाला ही क्यों न हो, वो सब ज्ञान शिव के ज्ञान जल को, जो मीठा मीठा जल ही देता है, किस रूप में है? वेदवाणी के रूप में मीठा मीठा। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, तो ब्रह्मा के मुख से जो भी मुरलियां निकली हैं वो मीठी हैं या कड़वी हैं? खारी हैं।
मीठी है, एडवांस वालों को भी मीठी लगती है, बेसिक वालों को भी वो वाणी मीठी लगती है। मीठा मीठा ही ज्ञान जल दिया, उस ज्ञान जल को उन मुरलियों को वो एक आत्मा पान कर लेती है। पान करने के बाद जो मंथन चलता है, जो पचाया जाता है, तो पहले पहले क्या निकलता है? सागर मंथन के बाद, सागर मंथन में पहले पहले क्या निकलता है? है? नहीं, हालाहाल विष निकलता है। सब घबराए जाते हैं, तो सागर का पानी खारा भी और सागर का पानी मीठा भी। सारा सागर जो है खारी हो जाता है। इसलिए बोला है ज्ञान भी पहले पहले सतो प्रधान और बाद में क्या हो जाता है, आखिरी क्या हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है। ब्रह्मा मुख से जो वाणी निकली वो मीठी मीठी वाणी है, बाद में जैसे जैसे शूटिंग होती जाती है, रिहर्सल होती जाती है, चारों युगों की रिहर्सल के अंत में वो वाणी मीठे की जगह कैसी हो जाती है, खारी तमो प्रधान हो जाती है। जैसे नदियों में बाढ़ आती है तो बोड़म बोड़ कर देती है, ऐसे ही सागर में जब उफान आता है तो सारी दुनिया को, सारी दुनिया के धर्मों को, धर्मावलंबियों को, सबको बोड़म बोड़ कर देता है। तो कथाएं बनाई दी हैं शास्त्रों में, चिड़ियों ने क्या किया, सागर को सुखाए दिया, ज्ञान सागर को हप कर लिया। हाँ, हाँ जी, क्या बोला, चिड़ियों ने सागर का काम किया था, लेकिन अच्छा किया बुरा किया? चिड़ियों ने सागर को सुखाई दिया, क्रोध में आके काम किया या प्यार में आके काम किया? है? क्रोध में आके काम किया। क्रोध में जो काम किया जाएगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा? वो चिड़िया, चिड़ियों का नाम ही रखा गया है काम के आधार पर। क्या नाम रखा गया है? करो ऊंच, ऊंचा काम किया, ऊंचा काम किया ना। अरे स्थापना, पालना और विनाश, ये तीन कार्य हैं, और तीन कार्यों को कराने के लिए तीन देवताएं निमित्त बने हुए हैं। उन तीनों देवताओं में ऊंच से ऊंच कौन सा कहा जाता है? है? शंकर क्या काम करता है?
शंकर द्वारा विनाश, ऊंच काम करता है या नीच काम करता है? काम ऊंच करता है, लेकिन क्या शंकर विनाश करता है या कराता है? कराता है। किसके द्वारा है? हाँ, शक्तियों के द्वारा विनाश कराता है। उन्हें कहते हैं महाकाली, असुर संहारिणी। हाँ, है और जोर से बोलो। भगवान को चौथी, भगवान के 24 अवतार। हाँ है, भगवान के रूप में विष्णु जी पर आते हैं। हाँ जी है, भगवान तो वो है नहीं। कौन? विष्णु भगवान ने जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, विष्णु के 24 अवतार, वो 24 अवतारों में सब मनुष्य अवतार है या जानवरों के अवतार भी है? है, जानवरों के अवतार भी है। अब हम तो ज्ञान में है, हमें तो असलियत का पता है कि भगवान का असली रूप तो शिव ज्योति बिंदु है, निराकार। वो ही असली गॉड फादर है। वो मनुष्य तन में आता है, जानवरों में नहीं आता है। वो मनुष्य अवतार राम कृष्ण के रूप में गाए हुए हैं, और राम कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियों का कंबाइंड रूप विष्णु कहा जाता है। हमको पता है कि नहीं है? अरे राम और कृष्ण दो आत्माएं और उनकी सहयोगिनी शक्तियां, सीता और राधा, ये चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन, यही तो विष्णु होता है। क्या और कुछ होता है? यही विष्णु है। लेकिन भक्त लोग जो है, उनकी बुद्धि होती है त्यकनी, एक स्वरूप के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए जानवरियत जैसे स्वभाव वाले हैं उनके ऊपर विश्वास करने लग पड़ते हैं और उनको भगवान का रूप समझ लेते हैं। इसलिए 24 अवतार बन गए। वो सभी अवतार जो सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों के बरखिलाफ रूप धारण करने वाले हैं, विपरीत रूप धारण करने वाले हैं, विपरीत रास्ता अपनाने वाले हैं, उनको भगवान समझ बैठते हैं। और संसार में ढोल पीटते हैं कि यही विष्णु है। जैसे आज एडवांस में विष्णु पार्टियां, सब अपने को विष्णु 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 कहते हैं। वो विष्णु का पार्ट बजाने वाले हैं या जानवरों जैसा खूंखार पार्ट बजाने वाले हैं? तो ये 24 अवतार भक्ति मार्ग में गाए हुए हैं। भक्ति मार्ग वाले समझते हैं 24 अवतार। वास्तव में ज्ञान मार्ग में तो एक ही अवतार है। कौन सा है?
भगवान का स्वरूप एक अवतार कौन सा है? है? कौन है? शिवशंकर बोले ना, वो एक ही देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 24 अवतारों का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। बाबा भक्ति में देखा तो कहते हैं लोग कि हनुमान जी सूरज के निकल गए, इसका नाम क्या है? हनुमान सूरज को निकल गए उसका। हाँ, यज्ञ के आदि में हनुमान का पाठ बजाने वाली आत्मा कौन सी थी और राम का पाठ बजाने वाली आत्मा कौन सी थी? है? थी या नहीं थी? है? थी। तो जो हनुमान का पाठ बजाने वाली आत्मा थी उसने ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा और उसके पूरे परिवार का सफाया कर लिया, निगल गई, हप कर गई और अंधेरा ही अंधेरा शुरू हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में। उस अज्ञान अंधेरे में अंधेरा कायम रहेगा वाले धर्म स्थापन हो गए, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन सब धर्मों का आश्रय ब्रह्मा की गोद में मिला। तो निमित्त कौन हुआ, मुखिया कौन हुआ ज्ञान सूर्य को हप करने वाला? वो ही ब्रह्मा की सोल अभी इंस्पिरेटिंग पार्टी का मुखिया बन करके पाठ बजाए रही है। वो इंस्पिरेटिंग पार्टी का मुखिया एडवांस पार्टी का जो मुखिया है राम वाली आत्मा, उसमें प्रवेश करके उमंग उत्साह के पंखों में उड़ा रही है। तो शास्त्रों में दिखाया है कि राम सीता राम लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर हनुमान उड़ा ले गया। एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जैसे ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं। दूसरा ग्रुप है प्लानिंग पार्टी। तीसरा ग्रुप है जो अभी गुप्त है प्रैक्टिकल पार्टी, जो प्रैक्टिकल में संगठन रूपी किला बना करके तैयार कर देगी। तो प्लानिंग पार्टी को उमंग उत्साह के पंखों में उड़ाने वाली मुख्य आत्मा कौन है? हनुमान जी के सीना फाड़ के दिखाते हैं अंदर राम। हाँ जी, जब संपन्न स्टेज बन जाती है ब्रह्मा की सोल तो समझ जाती है कि सतयुग का जो वर्षा है वो प्रैक्टिकल में हमको किस बाप से मिलने वाला है? राम बाप से मिलने वाला। वो राम बाप उसके दिल में बस जाता है। जब सच्चाई दिल में बैठ जाती है तब। और जैसे तीसरी पार्टी निकलेगी तो अपना फुर्सा तो रुक जाएगा है? तीसरी पार्टी जब निकलेगी तो अपना फुर्सा तो रुक जाएगा। तीसरी पार्टी, कितनी तीसरी पार्टियां निकल रही है? तीसरी पार्टी माने क्या? विष्णु पार्टी? तो विष्णु पार्टी नहीं निकल रही है? है मम्मा जब आई है छोटी माँ, हाँ, तो फिर अपना पुरसा तो रुक जाएगा। रुक जाएगा क्या? और ज्यादा उड़ जाएगा।
विजय माला का आवाहन करो। ये अव्यक्त बाप दादा से डायरेक्शन मिला है। अच्छा, अब आवाहन करो, ये तो डायरेक्शन हुआ, उसका प्रैक्टिकल रूप भी होगा या नहीं होगा? होगा। फिर उसका जब रिजल्ट निकलेगा तो खुशी बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि प्रैक्टिकल पार्टी निकलेगी तो पांडवों का किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो विधर्मी आत्माएं घुस करके बैठती हैं, पता ही नहीं लगता है कौन सूर्यवंशी है और कौन और वंश के हैं। पता भी लगता है तो उनको उंगली उठा के कोई कुछ कह नहीं सकता है। कह सकता है? हैं? नहीं कह सकता। फिर ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा तैयार हो जाएगा जिसमें सांप के चेहरे स्पष्ट दिखाई देंगे। यहाँ ही प्रैक्टिकल पार्टी, इंटरेस्टिंग पार्टी और प्लानिंग पार्टी यही है ना? यही माने क्या? माना एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी में प्रैक्टिकल पार्टी कहाँ से आ गई? यहाँ ही है बोले कि बाबा जी का भी एडवांस पार्टी में है। अरे फिर आवाहन किसका करना है अगर यहाँ ही है तो? अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया विजय माला का आवाहन करो, तो कहीं बाहर है तो आवाहन करें या यही है? एडवांस पार्टी में है बोल रहे ना बाबा। अरे एडवांस पार्टी के तीन ग्रुप हैं। एक ग्रुप है इंस्पिरेटिंग पार्टी, मम्मा बाबा जैसी आत्माओं का जो प्रवेश करके उमंग उत्साह बढ़ाए रही है। दूसरा ग्रुप है प्लानिंग पार्टी, जो मनन चिंतन मंथन करके नई दुनिया की प्लानिंग तैयार कर रही है, नक्शा बनाए रही है। और तीसरी पार्टी अभी गुप्त है, यही तो बताया अभी। जो गुप्त पार्टी है वो ही विजयमाला है, उसका नाम है प्रैक्टिकल पार्टी। वो यहाँ है या यहाँ से कहीं बाहर है? उसकी बुद्धि में बैठा यही है। तेरा नंबर होगा उसमें है? नहीं बाबा, हम ऐसे समझ रहे कि समझ रहे। चलो आगे, कोई बात नहीं। और बाबा आज तो देव नवरत्न नवरत्न और नवग्रह तीनों में क्या डिफरेंस है? एक ही जो रतन होते हैं वो एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं या बराबर कीमत वाले होते हैं? हीरा, पन्ना, मोती, माणिक्य, इनकी कीमत अलग अलग होती है। सबको हीरा नहीं कह सकते। तो जो अष्टदेव है वो सात सूर्यवंशी हीरे समान है। क्या दुनिया में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा और वो ज्ञान की रोशनी फेंकते रहेंगे? जैसे कच्चा हीरा होता है वो अंधेरे में भी चमक मारता है, तो ये अष्टदेव हीरे ही हीरे हैं। और फिर और धर्मों के जो मुखिया हैं उनको कहेंगे रतन। कोई मूंगा है, कोई मोती है, कोई माणिक्य है। नंबर बार फिर ऐसा भी होगा कि वो रतन का पार्ट बजाने वाले और वो हीरों का पार्ट बजाने वाले अष्टदेव
उनको कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल करके अपने तरीके से चला देंगे। द्वापर युग में क्या हुआ, ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं ने भारतवासियों को अपने तरीके से चलाया। अब क्या होगा है? अभी उल्टा होगा या वैसा ही होगा? उल्टा हो जाएगा। जो भारतवासी पक्के पक्के हैं, कोई भी धर्म में न कन्वर्ट होने वाले, वो हीरे समान आत्माएं उन दूसरे दूसरे धर्म वालों को कंट्रोल करेंगे। जैसे पति पत्नी को कंट्रोल करके रखता है, नाक में नकेल नथनिया डाल के रखता है, हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डाल करके रखता है, ऐसे उन धर्म पिताओं को और उनके खास खास जो फॉलोअर्स हैं उनको अपने कंट्रोल में चला देंगे। तो एक परिवार बनेगा या नहीं बनेगा? एक ग्रह बन जाएगा, उसको कहेंगे ग्रह ग्रस्त, घर ग्रस्त। तो वो ग्रह है क्या, उनको कहेंगे ग्रह है। ये है अष्टदेव, वो है रतन, और बाबा दोबारा भक्ति का क्या मतलब है? दोबारा भक्ति का क्या है? दोबारा भक्ति का मतलब बाबा कहते हैं, आज भी मुरली में आया कोई बच्चे हैं, दो महीने तक चिट्ठी भी नहीं लिखते, संपर्क में आना, संसर्ग में आना, संबंध में आना तो दूर की बात, चिट्ठी भी नहीं लिखते, तो बाबा समझते हैं वो मर गए। तो जो मर गए उनको दूसरा जन्म लेना पड़े या नहीं है? लेना पड़े। जैसे दुनिया में एक तरफ मनुष्य आत्मा मर जाती है, मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, उसको कहा जाता है मर गया, तो दूसरे बाप के घर में जाके जन्म लेना पड़ता है, 9 महीना पेट में पकना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ बेहद की भक्ति है, ये बेहद का ज्ञान गर्भ है, जिसमें एक दिन आना और अंतिम दिन जाना और 7 दिन की भट्टी, 9 दिन ज्ञान योग में पकना होता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। कहेंगे बच्चा पैदा हुआ बाप के घर में पैदा हुआ, यही कहा जाएगा।